हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को सेट पढ़ाने जा रहा हूं और सेट हमारे 11th क्लास का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों सेट किसे कहते हैं, हर बुक में तुम्हें मिल जाएगा। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इसके दो टाइप्स मिल जाएंगे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कभी सोचा है? या अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो सोचो भाई, इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्यों बोलते हैं तो, और इसका क्या मतलब निकलता है। देखो, जैसे तुम्हें कुछ खास प्रॉपर्टी वाली चीजों को एक साथ अगर लिख करके रखना है तो उसे आप लोग सेट में उठा के रखोगे। ठीक है, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये पांच जो है डिजिट्स हैं और इनको एक सेट में रखना, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। जब कॉमा लगा के हम लोग लिखते हैं तो उसे हम लोग रोस्टर मेथड या टेबलर मेथड कहते हैं। ठीक है, जब कॉमा लगा के लिखते हैं तो उसको रोस्टर मेथड या टेबलर मेथड। ठीक है, और जब कोई रूल बना के लिखते हैं तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड कहते हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है? अगर हम कहें कि भाई एक सेट ऐसा बनाओ जिस जो नेचुरल नंबरों से बना हो और 6 से छोटा हो, ठीक है, एक सेट ऐसा बनाओ जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर हो और 6 से कम हो, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 सभी बना देंगे। ठीक है, जब हम कुछ बात कहें, कई लोगों से कहें और सभी लोग वही सेट बना के दिखा दें तो उसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर हम कह दें 100 बच्चे क्लास में बैठे हुए और हम कह दें कि इनमें से अच्छे बच्चों का सेट बनाओ, तो अगर हम 4 लोगों से कहें कि इस क्लास में अच्छे बच्चों का सेट बनाओ, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो ये जो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करते समय शार्पनेस होनी चाहिए कि अगर हमने कुछ बात कह दी 4 लोगों से कह दी तो वो चारों लोग सेम सेट बनाएंगे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर हमने कहा कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में अच्छे बच्चों का एक सेट बनाओ, तो ये भाई पहला वाला कुछ बना देगा, दूसरा वाला कुछ बना देगा, तीसरे वाले के लिए कुछ और क्राइटेरिया होगा, चौथे वाले के लिए कुछ और क्राइटेरिया होगा। तो जब ये फिक्सिंग ना हो पाए, जब बातें फिक्स ना हो पाए एलिमेंट्स या मेंबर्स, ये जो है ना, जो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे गए ना कॉमा लगा करके, इनको मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं, तो इस तरह से इनको बोला जाता है। तो जब इनके लिए कंफर्मेशन हो जाए कि हम जिससे भी कह दें तो वो यही निकाल के रख दे, तो इसे हम कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए कि इंडिया में बिग सिटीज का, बड़े बड़े शहरों का एक सेट बनाओ। ठीक है, हमने पहले वाले से कहा, मान लो कई आदमी हैं, मैंने पहले वाले आदमी से कहा कि भाई इंडिया में जो बड़े बड़े शहर हैं उनका एक सेट बनाओ, तो क्या वो जो उसने एक सेट बना दिया, मान लीजिए बना दिया, तो दूसरे वाले आदमी से हम कहेंगे कि भाई तुम भी बड़े बड़े शहरों का जो है एक सेट तैयार करो। ऐसे ही मैंने सभी से कह दिया, चारों लोगों से कह दिया, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इन चारों का सेट मैच नहीं करेगा, मतलब जो बात मैंने कही वो वेल डिफाइंड नहीं है एलिमेंट्स के लिए, जो इसमें मेंबर्स आने वाले हैं उनके लिए वेल डिफाइंड नहीं है। जब हम वेल डिफाइंड कर देंगे कि भैया यही है, ठीक है, और चारों लोग सेम सेट बना दें, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ रही बात? तो जैसे नेचुरल नंबर जो सेट होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं ना, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। हम कह रहे 100वें नंबर पे क्या होगा, 1000वें नंबर पे क्या होगा, ऑटोमेटिक सबका आंसर वही आएगा, चाहे जितने लोगों को खड़ा कर दो, किसी से भी पूछ लो कि इसका 1000वां नंबर कौन सा होगा वो बता देगा, इसका 50वां नंबर कौन सा होगा वो बता देगा। ठीक है, जब डैश डैश करके लिखा जाए तो ये 100% श्योर है कि हर अगले टर्म की जानकारी आपको एडवांस में हो जानी चाहिए। जैसे मतलब कि अगर मैं कह दूं इसका 10वां टर्म क्या है तो आपको पता हो जाना चाहिए, या कोई रूल बना सकते हैं टर्म्स को जो है फाइनलाइज करने के लिए।
तो हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी होल नंबर के लिए जैसे हम बनाना चाहें तो 0, 1, ये सारे रोस्टर फॉर्म में, ध्यान रखना जब कॉमा लगा के लिखते हैं तो उसे रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड कहते हैं, ठीक है। मेन जो तुम्हारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, जो मतलब सेट में और बेसिक डिफिनीशन से अगर फंसाया जाएगा तो उस सेट बिल्डर फॉर्म से फंसाया जा सकता है। तो अभी मैं तुम लोगों को इसको एक्सप्लोर करता हूं, ठीक है। तो जैसे होल नंबर के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश ऐसे कर दिया, तो ये होल नंबर का सेट हो गया। अब कोई कह दे कि भैया एक सेट है ए बराबर 5, 6, 1, 2 डैश डैश ऐसे कह दिया जाए, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। अब तुम खुद सोचो इसके आगे अगला टर्म क्या होगा, तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। हम चार लोगों को खड़ा कर दें और कह दें कि भैया ये अगला टर्म क्या होगा, अरे चार लोगों का, तुम्ही को खड़ा कर दे, तुम्ही को बताना हो, तुम खुद ही कंफ्यूज होगे भैया यहां पे क्या लिखेंगे, 5, 6 फिर 1, 2 अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें अगला टर्म क्या होगा इसके बारे में हमें आइडिया नहीं मिल पा रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ध्यान रखना। ये इनफाइनाइट, इसको जब डैश डैश लग जाता है ना तो उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। पर चूंकि ये सेट ही नहीं है तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है बस, कुछ 5, 6, 1, 2 डैश डैश, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो सेट ही नहीं है। फिलहाल मैंने वहां पर ए लिखा है तो इसको मैं चलो बी कह देता हूं, ये जो बी है ये सेट नहीं है, ये वाला सेट है, ये सेट है, ये सेट है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं एक और सेट बना रहा हूं, मैं उसको लिख रहा हूं 5, 6, 1 एंड 2 बस इतना। अब बताओ मुझे कि ये जो है वेल डिफाइंड है या नहीं, सोचो ये वेल डिफाइंड है या नहीं। अब तुमसे कोई इसके अगले टर्म के बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। ये जो है इसमें ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स की संख्या है वो फाइनाइट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट है और इसमें अगले टर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। 5, 6, 1, 2 जो लिखा हुआ है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसका मतलब ये सेट है, ठीक है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान देना, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और लिख दिया गया है, अगर कॉमा लगा के ऐसे लिख दिया गया है, फाइनली लिख दिया गया है, तो वो एक सेट है। समझ में आ रही बात? तो ये सेट है पर ये सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें अगला टर्म क्या होगा, उसका अगला टर्म क्या होगा, हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा है। जब टर्म्स इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे राम श्याम मोहन गीता, ठीक है, राम श्याम मोहन गीता, इसको हमने एक ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, वो एक सेट है। एक जगह पर मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 का नाम लिख दिया गया, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दिया गया, तो वो एक सेट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब ये 5 है 6 है 1 है 2 ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इसके 4 हैं तो फिर अब इसको सेट कहने में अब वो नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सेट है। जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं उसको लिख दिया जाता है तो वो सेट बन जाता है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो या हम सेट लिख ही नहीं पा रहे हैं तभी हम कहते हैं कि नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जब हमने कुछ लिख दिया हुआ है कॉमा लगा करके और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो सेट श्योर बन जाएगा। जब डैश डैश करके लिख देंगे और अगला टर्म क्या है इसके बारे में आइडिया नहीं लग पाएगा, उसके सारे उसमें कोई रूल नहीं बन पा रहा है कि उसके 100वें नंबर पे टर्म कौन है, कौन सा है, 500वें नंबर पे कौन सा टर्म है, जब इसके बारे में जब कोई आइडिया न लग पाए तो वो सेट नहीं रह जाता है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। समझ में आ गया वेल डिफाइंड का मतलब, ठीक है। अब जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये नॉट अ वेल डिफाइंड, ये सेट है, हो ही नहीं सकता। अब किसी से कह दिया कि भैया एक सेट बनाओ जिसमें उन बच्चों का नाम लिखो जो इंटेलिजेंट है, जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन बच्चे इंटेलिजेंट हैं और किनका IQ लेवल अच्छा है? और IQ लेवल की बात अगर करें तो भाई जिसका इंटरेस्ट जिसमें होता है उसमें उसका IQ लेवल अच्छा होता है, जिसमें इंटरेस्ट गड़बड़ होता है
उसमें उसका आईक्यू लेवल खराब होता है। किसी का मैथ्स में आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और किसी का फिजिक्स में अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री में अच्छा है, तो सिर्फ आईक्यू लेवल अच्छा है कह दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, सेट को लिखने में, सेट को बनाते समय ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो वो सेट नहीं है। और अगर अलग अलग लोग अलग अलग उसमें एलिमेंट्स भर रहे हैं अगर जो हमने कहा, तो पक्की बात है कि वो सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो सेट की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये सब सेट हैं। और जब सेट लिखा जाता है ना, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें बिलोंग करते हैं। जैसे ये सेट है ना, इसको थोड़ा सा और बता दूं, जैसे ये लिखा हुआ है ना ए बराबर ये, तो जैसे ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो हम 1 बिलोंग टू ए लिख सकते हैं, 2 बिलोंग टू ए लिख सकते हैं, 3 बिलोंग टू ए लिख सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं ना वो इसमें हैं, तो इन सब को बिलोंग टू ए लिख सकते हैं। बिलोंग टू को लिखने का तरीका, मतलब बिलोंग टू का मतलब होता है कि वो एलिमेंट उसमें है। ठीक है, चलो फिलहाल रोस्टर मेथड और टेबलर मेथड समझ में आ गया, सेट किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। अब तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड का मतलब होता है कि हम एक रूल लिख दें जिसको देखने के बाद जिससे भी कह दिया जाए सेट बनाने के लिए वो सेट बना सके। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10 -, ठीक है, ये बताओ सेट है कि नहीं, पहले बताओ सेट है कि नहीं, वेल डिफाइंड है कि नहीं। अगला हर अगला टर्म बता दोगे ना, मतलब 10 के बाद क्या आने वाला है 12 के बाद क्या आने वाला है 14 के बाद क्या आने वाला है 16, उसके बाद क्या आने वाला तुम तो बता दो। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, इसको समझना ध्यान से, 2n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड ऐसे करते हैं a बराबर सेट ऑफ एलिमेंट्स x, सेट ऑफ एलिमेंट्स x वेयर x बराबर 2n। समझो ध्यान से, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना ये, इसका मतलब होता है सच दैट, समझ में आ रही बात, सच दैट। इसको ऐसे भी लिखते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते थे a बराबर x और यहां पर सच दैट x बराबर 2n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो कभी कभी कॉलन यूज किया जाता है, कभी कभी इस तरह से यूज किया जाता है। तो आप लोग एक बात बताओ कि ये जो लिखने का मेथड है ये तुम लोग को समझ में आ गया कि नहीं। देखो इसको कैसे रीड करना है, a इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स x, और ये जो x है ना ये बदलता हुआ एलिमेंट है, ये एक नेचर है, ये ध्यान रखना ये एक नेचर है। जैसे एक इंसान है, उसका दिमाग, मान लो दिमाग का जो सिचुएशन है या दिमाग मन में जो उसके भावनाएं हैं वो x है मान लीजिए, तो उसकी भावनाएं x जो है वो लगातार बदलेंगी, कभी कभी वो खुश होगा, कभी कभी वो दुखी होगा, है, कभी कभी वो एक्साइटेड होगा, कभी कभी वो डिप्रेस्ड होगा। तो अगर दिमाग में जो फीलिंग्स हैं उन्हें हम x कहें तो x की वैल्यू लगातार बदलती है, समझ में आ रही बात। तो उसी तरीके से यहां पर x एलिमेंट, ये क्या है, a बराबर एलिमेंट x सच दैट, तो एलिमेंट्स x सच दैट सेट ऑफ एलिमेंट्स x, सेट ऑफ एलिमेंट्स x सच दैट x बराबर 2n, ये a जो है x एलिमेंट्स से बना हुआ है, x कई एलिमेंट्स, मतलब x एलिमेंट्स से बना हुआ है, और ये जो x है उसकी ये प्रॉपर्टी है, तो जाहिर सी बात है n नेचुरल नंबर है, तो n केवल 1 रखोगे तो x बराबर 2 निकलेगा, मतलब ये जो है इसकी वैल्यू 2 भी हो जाती है। n बराबर तुम 2 रख देते हो तो इस ये जो एलिमेंट है अपनी वैल्यू बदल लेता है, और रूल ये है, इस रूल से अपने आप को बदलेगा। ठीक है, n बराबर तुम 3 ले लोगे तो ये x की वैल्यू 6 हो जाएगी, और x की वैल्यू जितनी आती जा रही है ना उन सब को लिखना है यहां पर,
समझ में आ रही बात? तो n की वैल्यू 4 रखोगे 8 आ जाएगा, n की वैल्यू 5 रखोगे x की वैल्यू 10 आ जाएगा। तो इस तरह से x की जितनी वैल्यूज हो सकती है उन सब को एक साथ लिखेंगे और वही सेट ए है, मतलब इन ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। ये रूल मेथड है, ये रूल लिखा जाता है कि जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो किस रूल से बदल रहे हैं, और ये सब बताएंगे कि यहां पर n की वैल्यू कैसे लेनी है और कैसे x की वैल्यू बदल रही है, और x की जितनी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं उन्हीं से ही ये सेट A बना हुआ है। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल A बराबर 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे जा रहा है, ठीक है। आपसे कहा गया कि भाई आप इसको जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में लिखो, रूल बनाओ इसका। अच्छा तो अब इसका रूल बनेगा कि नहीं ये बताओ भाई। पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है, उसके बाद 9 है, पक्की बात है 11 ही आएगा। हमें आइडिया लग रहा है ना 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा। जब हमें पता है कि अगला कौन सा आएगा, पक्की बात है ये सेट है और इसका रूल बनाया जा सकता है। तुम्हारा जो दिमाग है वो पकड़ ले रहा है कि ये एक रूल में चल रहा है, जब रूल में चल रहा है तो पक्की बात है उसी रूल को ही तो लिखना है और तभी तो इसको गाइड करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे A बराबर सेट ऑफ एलिमेंट X, सेट ऑफ एलिमेंट्स X सच दैट, ठीक है। देखो इतनी बातें कॉमन होती हैं, जितना मैंने लिखा है ना इतना तो पक्का लिखना है, और इन्हीं की प्रॉपर्टी ऐसे लिख देनी है कि n बराबर 1 रखने पर ये आ जाए, n बराबर 2 रखने पर ये आ जाए, n बराबर 1 रखने पर ही ये आना चाहिए, ध्यान रहे n बराबर 2 3 4 नहीं, n बराबर 1 रखने पर ये वाला आ जाए, n बराबर 2 रखने पर ये टर्म आ जाए, n बराबर 3 रखने पर ये टर्म आ जाए, और ऐसे x की जितनी वैल्यूज है उन सब उसको मिला करके जब हम सोचते हैं तो वही सेट है। समझ में आ रही बात? सोचते हैं मतलब लिखते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, दिमाग की जो फीलिंग्स हैं उन्हें अगर x कहें तो x की वैल्यू लगातार बदलती है, कभी वो एक्साइटेड होगा, कभी वो खुश होगा, कभी वो दुखी होगा, हाँ कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो इंसान जो है अपनी उसका जो दिमाग है ढेर सारी फीलिंग्स से बना हुआ है, वो ढेर सारी फीलिंग्स को जनरेट करता है। उसी तरीके से यहां पर सेट को मैं कह रहा हूं, इसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स x, सेट ऑफ एलिमेंट्स x, सेट ऑफ एलिमेंट्स x, ये सारे के सारे x हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स x सच दैट x बराबर क्या, x बराबर 2n-1 और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ध्यान दो एकदम करेक्ट बैठ रहा होगा। n की वैल्यू 1 रख के देख लो, n की वैल्यू 1 रख के देख लो, पक्का यही आ रहा है, n बराबर 1 आ रहा है। n बराबर 2 रख के देख लो जरा, n बराबर 2 रख के देख लो, ये आ रहा है, देखो n बराबर 2 रख लो, यहां पर 2, 2, 4, 4-1, 3 आ गया, 3 रखो ये आ रहा, 5 रखो ये आ जा रहा है। अगर इसमें 10वें नंबर पे कौन सा टर्म है तो 19 होगा, और यहां पे 10 रख के देख लो 19 आ रहा है, लिख के देख लेना यार। तो ये x अकेला एक नहीं है, x की जितनी वैल्यूज हो सकती हैं वो सब हमें सोचनी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर n की नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आप n को नेचुरल नंबर में लेना है, और जब n बराबर 1 रखो तो पहला मिले, n बराबर 2 रखो दूसरा मिले, n बराबर 3 रखो तीसरा मिले, n की वैल्यू जितनी हो उतने नंबर वाला ही टर्म आपको मिलना चाहिए, ध्यान रहे। और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा लिख दोगे, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मान लो इसको ऐसे लिखा जाए 1, 3, 5, 7, 9 बस इतना लिखा जाए और डैश डैश ना किया जाए बच्चों, तब क्या करोगे इसको? तो रूल मेथड में कैसे लिखोगे? सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बच्चों, दिमाग का ही खेल है सारा। चलो इतना तो कोई भी लिख लेगा, ए बराबर सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स के लिए बताएंगे, एक्स के लिए एक प्रॉपर्टी बताएंगे, एक्स को बदलता हुआ दिखाएंगे, एक्स को बदलते हुए वेरिएबल एन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जब x को n के फॉर्म में लिखेंगे, n बदल रहा है तो पक्की बात है n x भी बदल रहा है, जब x को n के फॉर्म में लिख रहे हैं n बदल रहा है तो पक्की बात है x भी बदलेगा। तो x बराबर क्या लिखे, यही लिखो 2n-1, ठीक है, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 5। ये देखो, अब देखो यहां पर क्या हो गया, n की वैल्यू नेचुरल नंबर तो हमने बताई, साथ साथ ये भी कंट्रोल किया कि n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 भी होगी। ध्यान दो, ध्यान दो,
ए बराबर सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n-1 और n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। क्लियर? n की वैल्यू जब नेचुरल नंबर है तो पक्की बात है 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और n इज लेस देन इक्वल टू 5 तो 5 पे जाके रुक जाना है। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 5 है, इसमें तुम 5 तक ही जा सकते हो, 5 के आगे नहीं जा सकते। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि n बिलोंग टू इंटीजर, भाई अगर इसकी ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह अगर हम ये लिख देते हैं n बिलोंग टू इंटीजर और n की वैल्यू फ्रॉम 1 से 5 अभी भी चल जाता, दोनों सही है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, पर ये ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तुम्हें तुम बस ये समझना कि ऐसा कुछ लिखना है, ऐसा एक रूल बनाना है कि अगर हम 10 लोगों के सामने वो रूल रख दें तो वो 10 लोग सेम चीज बनाएंगे, सेम सेट लिख देंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस फॉर्म में आसानी से लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें उसे रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो, इस तरह से दिया होगा, इसे इस तरह से लिखने का मतलब है क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल आया है। ठीक है, और कोई कह दे कि भैया x बराबर 4n-1, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 ऐसे दिया हुआ है मान लीजिए, और कहा जा रहा है आपसे कि इसको रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? कितना आसान है, इसमें कोई दम ही नहीं है इस क्वेश्चन। अगर आपको रूल मेथड में दिया हुआ है और आपको रोस्टर मेथड में लिखना है या टेबलर मेथड में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में लिखना है या टेबलर फॉर्म में लिखना है, तो रूल मेथड से वापस आना बहुत आसान होता है, पर रूल बनाना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको रूल मेथड में लिखने के लिए सोचना पड़ता है कि n की वैल्यू 1 रखने पर पहला कैसे आएगा, दूसरा कैसे आएगा, तीसरा कैसे आएगा। मगर ऐसे दे दिया है ए जो है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स और एक्स की प्रॉपर्टी, इस पर ध्यान दो, एन की वैल्यू 6 या 6 से कम है और एन की वैल्यू नेचुरल नंबर, मतलब एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, एन बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, एन बराबर अब 2 ले लो, 2 रखोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, फिर 3 रखोगे 11 आएगा, 4 रखोगे तो 15 आएगा, 5 रखोगे तो कितना आएगा 19 आएगा, और 6 रखोगे तो 23 आएगा, हो गया। तो ये लिखना बहुत आसान है, अगर रूल मेथड में दिया हुआ है तो रोस्टर मेथड में लिखना बहुत आसान है, और रोस्टर मेथड में दिया हुआ है तो रूल मेथड में लिखना थोड़ा सा टेक्निकल है, नियम बनाना होता है, नियम बनाना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। ठीक है, तो नियम बनाना अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए ये दोनों पर कमांड हो गया है, और नियम बना रहेगा, नियम लिखा रहेगा, तो उसको रोस्टर मेथड में लिखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस मेथड में रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है और आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल रहता है, वो सब मैंने तुम लोग को बता दिया। ठीक है, तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन क्लास है सेट्स के लिए, तो सेट क्या होता है ना, तो ये सारा पूरा फीलिंग्स आपके दिमाग में आ गया है कि क्या होता है और इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, इन सब के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया, और अब इसके आगे के लेक्चर्स जो है अब लगातार आते रहेंगे। आप लोग तैयार हो जाओ, अपना नोट्स अच्छे से बना के चलो, और खूब बढ़िया से हम लोग को सिलेबस सही समय पे ख़त्म करना है। ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।